हाय, आई एम विजय कुमार। आई एम सेरामिक आर्टिस्ट और हम एक एक हफ्ते से वर्कशॉप ले रहे हैं क्ले मोल्डिंग की, SR कैपिटल पब्लिक स्कूल रविंद शाहजरा। इसमें क्ले मोल्डिंग जो क्लासेस है, इसमें हमने बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया। इससे पहले बच्चों को इनके क्ले के बारे में मालूम नहीं था, इन्हें उस क्ले के बारे में मालूम कराया और उसको इंट्रोडक्शन कराया क्ले के बारे में, क्ले को फील कराया इन्हें। और ये कुछ कामों में जैसे कि इसमें हमने पिंचिंग कराई, कॉइलिंग कराई, थोड़ा सा स्लैब वर्क भी ऐड करवाया, देन व्हील वर्क करवाया। जैसे ये कुछ आप वर्क देख रहे हो, ये बच्चों ने बनाए हैं। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये पिंचिंग वर्क है, ये बच्चे ने बनाया है। और ये भी पिंचिंग ही वर्क है, ये बच्चों ने पहली बार बनाया है, बहुत लाइट वेट है ये। और कुछ इन्होंने कॉइलिंग से वर्क किया हुआ है, जैसे कॉइलिंग वर्क देख रहे हो आप। ये फोर्थ क्लास के बच्चे का वर्क है, फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना अच्छा अटैम्प्ट किया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है ये। इसने पिंचिंग एंड कॉइलिंग दोनों मिक्सअप की है, एक नई टेक्निक अलग से बिल्कुल, जैसे पहले पिंचिंग करी फिर उसमें कॉइलिंग ऐड करी है, एक नया ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाया है। और कुछ बच्चों ने तो स्कल्पचर्स भी बनाए हैं, जैसे कि ये तीत का स्कल्पचर है और ये भी कॉइलिंग है, ये व्हील वर्क किया है बच्चों ने, छोटे छोटे पॉट्स बनाए मिनिचर, ये थोड़ा छोटा सा जग बनाया है बच्चे ने। और एक बच्चे ने ये तो यहाँ तक बनाया है कि इसमें डिल वाला है, इसमें कैप भी है। और ये भी व्हील थ्रोइंग किया है, काफ़ी अच्छी व्हील थ्रोइंग है, बड़ी इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक स्टूडेंट है मोक्ष हमारा, तो ये थोड़ा सा इसने भी सीखा है, तो ये बताएगा आपको करके कि किस तरह से इसने क्या प्रोग्रेस किया अपने काम में। चलो कीजिए। अब जैसे आप देख रहे हो, दक्ष ने ये पॉट्स बनाया है, इसमें कुछ टेक्निक्स यूज करी इसने, सेंटरिंग की, पिंचिंग की और पुलिंग की। फिर लास्ट में इसने वुड का जो टूल का यूज किया था वो ट्रिमिंग करने के लिए किया था सेट क्ले को, और फिर थ्रेड से निकाल के ये पॉट बनाया इसने कुछ टेक्निक्स यूज करके। भाव्या भी वही काम करेगी व्हील पे जो अभी मोक्ष ने किया था, तो थोड़ा सा भाव्या की हेल्प करते हैं। Thank you.
तो जैसे बच्चों ने बनाया है, इस बच्चे ने बनाया है पिंचिंग पे, ठीक है, पिंचिंग से बनाया है ये, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया है ये व्हील वर्क है सारा, आप देख रहे हो तो किसी बच्चे पे इन्होंने बहुत मतलब कि जब मैं आया था तो इनको कम वर्क आता था, बट अब इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करा और काफ़ी मेहनत करी है, और इसके यहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ प्रोडक्ट तैयार करे, आप लोगों ने इसे पहले भी देखा था, और यहाँ पे सभी लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, अदर्स, और बच्चे भी काफ़ी मतलब कि आर्ट्स को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे, तो उन्होंने काफ़ी उन्होंने मेहनत करी है अपने वर्क पे, तो ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए खुद, आप देख सकते हो। आई होप फ्यूचर में भी दोबारा इन बच्चों के साथ जुड़ ऐसा पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, दोबारा वर्कशॉप होगी नेक्स्ट समर में या फिर बीच में वेकेशन में कभी भी तो आने का मौका मिलेगा, तो और बच्चे मेहनत करेंगे और आगे प्रोग्रेस करेंगे आर्ट के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं मोक्ष हूँ, तो और मैंने इस पॉटरी वर्कशॉप में पार्ट लिया था, तो विजय सर ने हमें इस पॉटरी वर्कशॉप में गाइड कराया, और इसमें हमने काफ़ी क्ले के बारे में जाना और नई नई टेक्निक्स के बारे में जाना, जैसे कि पिंचिंग, कॉइलिंग, और हमने व्हील पे भी काम करा, बहुत मज़ा आया। और अगली बार भी कभी अगर समर कैंप में या फिर कभी भी बीच में भी पॉटरी का होगा तो मैं हमेशा उसमें पार्ट लूँगा। माय नेम इज सनी ऑफ क्लास 5, मैंने उसमें काफ़ी कुछ सीखा जैसे कि क्विलिंग, पॉटरी और व्हील वर्क, और मुझे काफ़ी मज़ा आया। अगर कभी वापस ये वर्कशॉप होगी तो मैं उसमें वापस पार्ट लेना चाहूँगी, ताकि मैं उसके बारे में और जान पाऊँ।